knowledge start. Today we will learn chapter 1. Thank you God. अच्छा ये बताइए हम लोग गॉड के साथ कैसे थैंक यू करते हैं? हम लोग दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं गॉड को और प्रेयर पढ़ते हैं. टुडे वी लर्न प्रेयर दैट इज थैंक यू गॉड. सी एवरीवन, दिस इज आवर प्रेयर. Thank you God for this new day in my school to work and pray. Please be with me all day long in every story, game and song. May all the happy things we do make you our Lord happy too. This is our prayer. Ye prayer hum log morning mein दोनों हाथ जोड़ के करते हैं जैसे कि ये दोनों कर रहे हैं. Now let us see this. ये क्या लिखा है? Do you pray to God every day? आप लोग गॉड को हर रोज सुबह सुबह करते हैं आप लोग? Yes or no? Answer is yes. Now let us see this. I am going to read the questions. Let us read. Tick the correct answer. Tick मतलब सही आंसर को टिक करना है. Question number 1. How do the children pray? मतलब इसका मतलब children किसको pray करते हैं? गॉड को करते हैं, टीचर को करते हैं कि पेरेंट्स को करते हैं? किसको करते हैं? गॉड को करते हैं. तो हम वहाँ टिक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. चिल्ड्रन आर टिकिंग मतलब चिल्ड्रन किसको थैंक करते हैं? थैंक का मतलब होता है धन्यवाद. किसको करते? गॉड को करते कि टीचर को करते कि पेरेंट्स को करते? गॉड को करते हैं. तो हम वहाँ टिक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. हम डू द चिल्ड्रन व्हाट डू बी हेल्थ मतलब चिल्ड्रन किसके साथ रहना चाहते हैं? गॉड के साथ, टीचर के साथ कि पेरेंट्स के साथ? गॉड के साथ. तो हम लोग उसमें टिक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. कंप्लीट दीज लाइंस ऑफ द प्रे प्रेयर. यहाँ पर ब्लैंक है और आपको फिल करना है. कैसे करेंगे? लेट अस सी. डैश बी विद मी ऑल डैश लॉन्ग. इस डैश पे प्लेस लिखेंगे, इस डैश में डे लिखेंगे. देखिए इसका आंसर यहाँ भी लिखा है. प्लेस बी विद मी ऑल डे लॉन्ग इन एवरी डैश डैश एंड सन. इस डैश में स्टोरी लिखेंगे, इस डैश में गेम्स लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. टेक द वेज यू कैन मेक गॉड हैप्पी मतलब गॉड को हम कैसे हैप्पी करेंगे, उसको टिक करते हैं. लेट अस सी. आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ मतलब हमेशा हम लोग सच बोलते हैं. तो इसी से भगवान खुश होते हैं. तो यहाँ हम लोग टिक करेंगे. आई हेल्प द पुअर एंड नीडी मतलब हम लोग गरीब को हेल्प करेंगे. तो यहाँ पर भी टिक लगाना है. आई ऑलवेज टीच एनिमल्स टीच मतलब मजाक उड़ाना. अपने एनिमल्स को मजाक उड़ाना अच्छी बात होती है. इससे भगवान खुश होंगे? भगवान नहीं होंगे. आई ऑलवेज डू द राइट थिंग
हम लोग जैसे अच्छे काम करेंगे वैसे भगवान खुश होंगे। I do not make anyone sad। हम लोग किसी को भी दुखी नहीं करेंगे, इससे भगवान खुश हो जाते हैं। I do not obey my elders। बड़ों का कहना अगर नहीं मानोगे तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे। क्लियर एवरीवन? इसी तरह हम लोगों को प्रेयर करनी चाहिए गॉड को। थैंक यू सो मच।